इसके बाद प्रश्नावली 1.1 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हम लोग करेंगे, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। इसमें दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a, इसको हम भाजक 3 मानते हैं क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप में दिया गया है, तो हम यहाँ पर भाजक लेंगे 3। अगर यहाँ पर हमें 4m या 4m+1 का होता तो हम यहाँ पर लेते 4। अगर 5m या 5m+1 का रूप का होता तो आप यहाँ पर 5 लिखते। और यदि हम इसको भाग देते हैं और कोई शेषफल आता है r और कोई भागफल आ जाता है q, तो कोई भागफल q और शेषफल क्या होता है r। तो यहाँ पर जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो a का मान किसके बराबर होगा, तो a बराबर होगा भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी पहली संख्या का गुणा आखिरी संख्या में और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको हम इस तरीके से भी गुणा का चिन्ह हटा के 3q+r के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो a है इसको क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक। तो हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा जो q है ये क्या है, भागफल। तो यहाँ पर हम जब प्रमेय का लगाएंगे तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए का मान आएगा ए बराबर 3q+r। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ से 3q+r ये रहेगा a का मान, जहाँ हम लोग जानते हैं कि r शेषफल है। अब इतना तो आप सबसे पहले कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि भाजक कितना है, तो अंतर भाजक है 3। तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल 3 से छोटा यानी कि भाजक से हमेशा छोटा ही रहता है। या तो शेषफल 0 हो सकता है, या फिर शेषफल 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। तो शेषफल 3 हो सकते हैं, 0, 1 या 2। तो हम लोग इसको स्थिति में बना के, यदि हम स्थिति 1 लें और स्थिति 1 में यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 है तब a का मान क्या होगा, इस जगह 0 रख देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3q। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में दिया गया हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो हमें हर बार वर्ग ही करना है a का। तो यहाँ पर यदि हमने देखें तो यहाँ पर लिखा है a बराबर 3q, तो हमें इस धनात्मक पूर्णांक यानी a का क्या करना है, अब वर्ग। तो चलिए करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा a का वर्ग, यहां पर हो जाएगा 3q का वर्ग। a का वर्ग एक ही होगा, a वर्ग ही होगा, और 3q का वर्ग हो जाएगा 9q वर्ग, क्योंकि 3q × 3q दो बार होगा इसलिए आ जाएगा 9q वर्ग। तो इतना आप कर लोगे सबसे पहले। तो इसके बाद हम लोग 9q को लिख सकते हैं a वर्ग बराबर 3 × 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और q वर्ग ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर हम a वर्ग बराबर 3, इसको हम m मान लेते हैं इतने को, तो हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर हमने माना है 3q वर्ग। ये तो थी स्थिति 1।
अब हम लोग स्थिति दो ले लेते हैं। स्थिति दो, स्थिति दो में इस बार हमने r बराबर एक लेना है क्योंकि हम r बराबर जीरो ले चुके हैं। तो r बराबर एक और फिर इसके बाद r बराबर दो, क्योंकि शेषफल तीन ही आ सकते हैं भाजक यदि तीन हो, जीरो, एक या दो। तो एक हो चुका है, अब हम लोग r बराबर लेंगे एक हो तो। यदि r बराबर एक है तो इस वाले में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a का मान क्या होगा, a बराबर होगा तीन क्यू और r की जगह पर हम लिख देंगे एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ भी वर्ग करेंगे और यहाँ भी वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a वर्ग, ये हो जाएगा तीन क्यू प्लस एक का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा a वर्ग बराबर, इसमें सर्वसमिका लगाएंगे a धन b का वर्ग। तो ये जो सर्वसमिका होती है यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। इसको उसी तरीके से करेंगे, a का मान है तीन क्यू और b का मान है एक, तो a वर्ग यानी तीन क्यू का वर्ग प्लस b वर्ग यानी कि a का एक का वर्ग प्लस 2ab। तो प्लस 2, a का मान तीन क्यू और b का मान एक, 2ab गुणित में कर देते हैं b यानी एक। अब यहाँ पर a वर्ग तीन क्यू का वर्ग है इसलिए हो जाएगा नौ क्यू वर्ग प्लस एक, यहाँ पर दो एकम दो और दो तिया छः, तो छः क्यू। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है इसलिए इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, तो a वर्ग बराबर होगा नौ क्यू वर्ग प्लस छः क्यू प्लस एक। अब यहाँ पर हम यहाँ से तीन कॉमन निकाल सकते हैं, तो तीन और क्यू दोनों कॉमन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा तीन तिरका नौ, यानी कि तीन बार भाग चला गया और क्यू दो थे इसके पास, एक निकल गया तो एक बच गया, प्लस तीन दूनी छः और क्यू बाहर निकल गया, प्लस में आया एक। यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन निकाला है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए वर्ग बराबर यहाँ से हम तीन और इतने को हम m मान लेते हैं, तो तीन m प्लस एक ये आ गया तीन m प्लस एक के रूप का, जहाँ m का मान क्या होगा, m बराबर होगा q तीन q प्लस दो, ये m का मान। इसके बाद हम लोग स्थिति नंबर तीन लगाएंगे। स्थिति तीन, और इसमें हमें r बराबर अब दो मानना है, r बराबर दो हो तो a का जो मान आएगा वो आएगा तीन क्यू प्लस दो। अब यहाँ पर चूंकि हमें वर्ग चाहिए इसलिए हम a का कर देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा a वर्ग, यहाँ पर होगा तीन क्यू प्लस दो का वर्ग, तो a वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा a धन b का होल वर्ग एक बार फिर से, तो a वर्ग यानी 9q वर्ग, b वर्ग यानी 4 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 12q, 2ab, 2 दिया 6 दूनी 12 और q। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आता है तो पास में लिख लेते हैं, तो a वर्ग बराबर आएगा 9q वर्ग, इसको पास में लिखेंगे 12q, और इसको हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यहाँ कर देते हैं आगे। तो a वर्ग बराबर आएगा यहाँ से तीन 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 कॉमन है, यहाँ तीन अगली तीन संख्याओं में, तो तीन कॉमन निकालेंगे तो आएगा तीतर का 9 और q स्क्वायर प्लस ती चौके 12 यानी कि 4q प्लस तीन एकम तीन और प्लस एक पहले से ही था तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक।
तो कॉमन निकालने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना सब जो है वो एम है, 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 का रूप का ही है। तो जहाँ m बराबर होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।